एक बार क्या होता है कि एक बुजुर्ग महिला की डेथ हो जाती है, तो वो बुजुर्ग महिला को यमराज जी लेने आते हैं। तो यमराज जब लेने आते हैं तो बुजुर्ग महिला यमराज से पूछती है कि एक बार ये तो बता दीजिए, आप मुझे ले कहाँ पे जा रहे हैं, स्वर्ग में लेके जा रहे हैं या नरक में लेके जा रहे हैं। तो यमराज जी बड़े ही मुस्कुरा के, बड़े ही प्यार से बुजुर्ग महिला को आंसर करते हैं कि आपने ना बड़ी भक्ति की है और प्रभु जी आपकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न है, इसीलिए ना ही तो आपको स्वर्ग लेके जाएंगे ना ही आपको नरक लेके जाएंगे, आपको सीधा प्रभु के द्वार लेके जाएंगे। अब ये सुनकर बुजुर्ग महिला बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात होती है जो वो यमराज से कहती है कि जब भी धरती पे किसी की मृत्यु होती है तो हर कोई ये सोचता है कि ये नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं नरक या स्वर्ग देखूं कि क्या होता है। तो यमराज जी बोलते हैं कि आपने भगवान की बहुत ज्यादा भक्ति की है तो आपकी ये इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे, आपको पहले नरक लेके जाएंगे, उसके बाद में स्वर्ग लेके जाएंगे और फिर बाद में प्रभु के द्वार लेके जाएंगे। ऐसा ही होता है, रास्ते में पहले नरक आता है, उसे नरक लेके जाया जाता है। तो बुजुर्ग महिला देखती है कि बड़ी ही भय वाला माहौल होता है, डर वाला माहौल होता है, लोग रो रहे होते हैं, ठीक है, और उसके बाद में चिल्ला रहे होते हैं, यानी डरे हुए होते हैं एक तरीके से। और जब बुजुर्ग महिला चारों तरफ देखती है तो देखती है कि लोग एक ऊपर एक बर्तन लटका हुआ बड़ा सा, और बड़ा सा चम्मच है उसके अंदर, उसकी तरफ उछल रहे हैं, ठीक है, उसकी तरफ देख रहे हैं और देख के रो रहे हैं। तो बुजुर्ग महिला बोलती है कि भी देखो, इस बर्तन में से बड़ी अच्छी महक आ रही है, इस बर्तन में ऐसा क्या है जिसे आप देखकर रो रहे हैं। तो एक व्यक्ति कहता है कि आज खीर बनी है, बहुत दिनों से हमने कुछ खाया नहीं है, बर्तन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है जिसकी वजह से बर्तन पे कोई भी पहुंच नहीं पाता और सभी लोग जो है वो भूख के मारे रो रहे हैं, किया क्या जाए, बर्तन बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, अब वो बर्तन नीचे आए, हम कुछ खाएं तो हमारी भूख मिटे, हम शांत हो। बुजुर्ग महिला बोलती है कि भाई ठीक है, ये तो अब ये सब देखकर वो कहाँ जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा होता है, स्वर्ग में लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ बातें मार रहे होते हैं, बहुत खुश प्रसन्न, एक मतलब कि खुशी वाला माहौल होता है। फिर स्वर्ग में भी माता चारों तरफ देखती है कि देखिए चारों तरफ कि क्या है, ऐसा क्या है कि लोग खुश क्यों हैं। तो वही बड़ा सा बर्तन जैसा उन्होंने नरक में देखा था, वो बड़ा सा बर्तन उन्हें दिखाई देता है कि बड़ा सा बर्तन लटका हुआ है और उसमें बड़ा सा चम्मच है। तो माता जी सोचते हैं कि सिचुएशन तो सेम है, लेकिन वहां पे तो लोग रो रहे थे, यहाँ पे लोग खुश हैं। तो वैसे ही माता जी किसी से सवाल करती हैं कि बताइए भाई, इस ये बड़े से बर्तन में से बड़ी महक आ रही है, इसमें क्या बना है। तो एक मतलब कि एक इंसान बोलते कि भाई खीर बनी है, इसमें से खीर की महक आ रही है। तो माता जी बोलते कि बर्तन तो बड़ी ऊंचाई पर है, भूख के मारे तुम्हारी जान निकलती होगी, तुम इसे खाते कैसे हो। तो माता जी बोलती हैं कि भी बताइए भी रीजन क्या है कि इतनी ऊंचाई पर है बर्तन, आप खाते कैसे हैं, लोग फिर भी यहाँ पे खुश हैं। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि ये स्वर्ग का, एक इशारा करते हैं एक इंसान की तरफ और बोलते हैं कि ये स्वर्ग का सबसे बुजुर्ग बंदा है, आप इसके पास जाइए, ये आपको इसका जवाब देंगे। तो माता जी जाती हैं और पूछती हैं, फिर बताओ भाई, बर्तन तो बहुत ऊंचाई पर है, तुम लोगों को खाना कैसे मिलता है खाने के लिए। तो वैसे ही बुजुर्ग व्यक्ति बड़े मुस्कुराकर माता जी को जवाब देते हैं कि देखो, इतने सारे लोग हैं, मिलजुल कर रहते हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो युवा लोग यहाँ पे आए हुए हैं स्वर्ग में, जवान हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, हाथ से हाथ मिलाते हैं, कंधे से कंधा मिलाते हैं, ऊपर तक पहुंच जाते हैं, ये जो ऊंचाई है बहुत ज्यादा ये नीची हो जाती है, क्योंकि सभी के सभी मिलकर जाते हैं ऊपर और सभी के लिए खाना ले आते हैं नीचे और सभी खा लेते हैं। तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई ये बात सुनकर, भाई फर्क तो कोई भी नहीं है, सिचुएशन तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, वहां पे लोग बहुत ज्यादा उदास थे। तो देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि नरक या स्वर्ग जो है वो हमारी सोच पे डिपेंड करता है, हमारी सोच कैसी है। अगर हमारी सोच अच्छी है, हम एक दूसरे की भलाई करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, उसके बाद में मेहनत करते हैं, तो यही स्वर्ग है। और अगर हम एक दूसरे से जलते रहते हैं, ना दूसरों की हेल्प करते हैं, ना दूसरों से हेल्प लेते हैं,
तो यहीं पर ही क्या है, नरक है। तो स्वर्ग और नरक जो है वो हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमने अपना जीवन जो है वो स्वर्ग बनाना है या नरक बनाना है। तो ये थी स्वर्ग और नरक की कहानी, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कहानी के लिए थैंक यू सो मच।